इस घटना को 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन फिलहाल अभी तक इस चीज की जानकारी नहीं है कि आखिर इस हमले के पीछे कौन है। इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जगविंदर पटियाल जुड़ गए हैं। जगविंदर, पंजाब पुलिस आखिर क्या कर रही है, किस तरीके से ये इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ और अब इसकी भरपाई और जांच के लिए क्या अपडेट? देखिए, सबसे पहले तो ये अपडेट है कि ये ROG-22 यानी रॉकेट फ्रेगमेंटेशन ग्रेनेड, जो कि OG-22 ग्रेनेड के साथ था, उस हथियार का इस्तेमाल किया गया। और इंटेलिजेंस का ये कहना है कि ये हमला तकरीबन 200 से 250 मीटर दूरी से किया गया है। यानी अगर हम मान के चले तो जहां पर जिस खिड़की से ये ग्रेनेड मारा गया है अंदर, वो सामने जो ग्राउंड और जो सड़क आगे से उन बिल्डिंग के आगे से जाती है, वहां से ये हमला किया गया। और तीसरा, ये पहले जो खिड़की लगी है, अगर आप गौर से तस्वीरों को देखेंगे तो ये खिड़की के जो किनारे सीमेंट की एक कंक्रीट की किनारी होती है, पहले ये उससे टकराया और उसके बाद बिल्डिंग के अंदर आया है। और ये भी अफसरों का कहना है कि अगर ये सीधा बिल्डिंग के अंदर आया होता तो और ज्यादा नुकसान होता और ज्यादा गंभीर ये हमला हो सकता था। तीसरी बात ये कही जा रही है कि ये सीधा आतंकी हमला है, ये आतंकी साजिश है और ये सरकार को, पुलिस को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने की कोशिश की गई है और एक चैलेंज दिया गया है उन लोगों की तरफ से जो पंजाब का अमन शांति खराब करना चाहते हैं। NIA इस मामले की जांच के लिए आज मोहाली आ सकती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब का माहौल खराब करने की जो भी कोशिश कर रहा है उसको हम कतई पूछेंगे नहीं। लेकिन इस घटना से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि दूसरों की इंटेलिजेंस रखने वाली और सरकार को इंटेलिजेंस इनपुट देकर सचेत करने वाली एजेंसी आखिरकार कहां चूक गई कि उसके अपने हेडक्वार्टर पर ही इस तरह का आतंकी हमला हो गया। बड़ी जानकारी दे रहे हैं जगविंदर आपकी। लगातार ये कोशिश की जा रही थी और ये कोशिश इस तरीके से कामयाब हुई है, सीधे सीधे पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को ये चुनौती है। इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी के साथ मोहाली से सचिन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, किस तरीके से मोहाली में फिलहाल स्थिति है, क्या अन्य इमारतों की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है फिलहाल? जी, फिलहाल मोहाली में सुरक्षा व्यवस्था जो है चाकचौबंद की गई है। फिलहाल तक जो निकल के आ रहा है, जो बताया जा रहा है सोर्सेज के हवाले से कि 150 से 200 गज की दूरी से जो हमला जो है ये किया गया है, तो ये जो बिल्डिंग है सामने, ये इंटेलिजेंस विंग का जो हेडक्वार्टर है उसकी बिल्डिंग है और इसके सामने से थोड़ा सा कैमरा हम पैन करेंगे आगे, तो ये सामने जो है सड़क से आगे जो है ये खाली ग्राउंड है। तो ये खाली ग्राउंड जो है यहीं पे जो है असल में इसी ग्राउंड से ये माना जा रहा है कि ये जो RPG है उसका जो है इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इससे आगे जो है, इससे आगे भी काफ़ी आगे एक निजी अस्पताल है और वहाँ तक जो है लगभग 500 से 700 मीटर का ये डिस्टेंस है इस हेडक्वार्टर और उस निजी अस्पताल के बीच में, और बीच में ये खाली मैदान है और इसी खाली मैदान से जो है RPG जो है ये माना जा रहा है कि उसको जो है चलाया गया, जो इंटेलिजेंस विंग का हेडक्वार्टर है उसके ऊपर, क्योंकि इसके अलावा कोई और जगह जो है सामने जो है वो नज़र नहीं आती है और यही खाली मैदान है। यहाँ पुलिस के जो कर्मचारी हैं जो इंटेलिजेंस विंग में काम करते हैं, ये अपनी गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पार्क करते हैं बेसिकली, तो यही एक जगह है जहाँ से ये RPG जो है फिलहाल चलाया गया है। और ये आतंकी घटना है क्योंकि ये पिछले कल से ही जो है साफ लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से RPG को चलाया गया है उसके लिए ट्रेंड पर्सन जो हैं उनकी ज़रूरत होती है, ट्रेंड आदमी ही उसको चला सकता है, कोई ऑर्डिनरी इंसान जो है, आम इंसान उसको नहीं चला सकता है। और उसको एम किया जाना जो है पुलिस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि एम जो किया गया है उसकी कौन सी, कितने एंगल पे उसको डायरेक्ट करना है, कौन से एंगल से उसको लॉन्च करना है, वो तमाम जो टेक्निकलिटीज़ हैं सिर्फ एक ट्रेंड इंसान जो है उसको ही ये सारी मालूमात होते हैं। तो फिलहाल पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसी जो खाली मैदान है वहीं जो है पुलिस की टीम्स जो हैं वो डटी हुई हैं, तमाम जो है इंस्पेक्शन की जा रही है सारे के सारे एरियाज की, कि कोई क्लू जो है जो हमलावर है उनके बारे में मिल सके। सचिन, आप हमारे साथ बने रहे, मैं सवाल जानना चाहेंगे जगविंदर पटियाल से भी। जगविंदर, जिस तरीके से सचिन भी जानकारी दे रहे हैं, आप भी लगातार इस चीज को इंगित कर रहे थे कि ये ट्रेंड व्यक्ति का काम हो सकता है, तो क्या इस चीज में इन्वेस्टिगेशन किस तरफ इशारा कर रहा है, अगर इसमें कोई आतंकी संगठन शामिल है या जिस तरीके से इसे अंजाम दिया गया है, क्या कुछ इशारे मिल रहे हैं? इशारे ये मिल रहे हैं कि ये किसी मॉड्यूल की तरफ से अंजाम दिलवाया गया है, लेकिन जिस भी मॉड्यूल को ये टारगेट दिया गया था वो टारगेट जो है बकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद दिया गया था। तो जो पुराने मॉड्यूल है या जो भी RPG को इस्तेमाल करने की पुरानी घटनाएं या संगठन एक्टिव रहे हैं, उन तमाम लोगों की फाइलें भी संभाली जा रही हैं। लेकिन माना यही जा रहा है
इसकी सप्लाई भी बाहर से आई है, और दूसरी बात ये बाकायदा ट्रेनिंग के बाद जो डिग्री फिट की जाती है कि कहाँ पे मारना है, जो उसका टारगेट दिया जाता है, वो कोई साधारण आदमी का काम नहीं हो सकता है। बाकायदा पूरी ट्रेनिंग के बाद भी ऐसा किया गया होगा, तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम पहलुओं को देखते हुए जांच आगे बढ़ रही है। पहले ये था कि ये इस्तेमाल क्या हुआ है उसको फाइंड आउट करना, तो जब ये पता लग गया कि ROG-22 का इस्तेमाल हुआ है, फिर उसकी रेंज कितनी होती है, कौन लोग इसको इस्तेमाल करते रहे हैं, कहाँ कहाँ ये ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि रॉकेट वगैरह का अटैक तो ज्यादा जो है वो वैली में देखने को मिलता है, घाटी में देखने को मिलता है, पंजाब में ऐसी घटनाएं कम होती है, लेकिन इतने निश्चिंत होकर इस बात को अंजाम दिया गया, यहीं से ये शक हुआ कि ये आतंकी घटना है, कोई सामान्य आदमी इस तरह की घटना नहीं कर सकता। पहले पठानकोट में ग्रेनेड अटैक हुआ था, ग्रेनेड फेंक दिया था और मोटरसाइकिल सवार आए और ग्रेनेड फेंक कर चले गए, लेकिन उससे नुकसान ज्यादा नहीं हुआ था। ये एक क्लियर कट मैसेज पुलिस के इंस्टॉलेशन पे अटैक की अपने आप में एक इंटरनेशनल न्यूज होता है कि पुलिस के इंस्टॉलेशन पर अगर अटैक होता है तो ये एक क्लियर मैसेज दिया गया है आतंकी साजिश है, इसको बेनकाब करने में मुझे लगता है केंद्र और जो पंजाब की पुलिस है मिलकर काम करना। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये बड़ी चिंता बढ़ाने वाली खबर है, जिस तरीके से घटना हुई है ये निश्चित रूप से भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी परेशानी बढ़ाने वाली खबर है। ABP News आपको रखे आगे।